नेता का क्या मतलब होता है? जनता के बीच में रहना। स्टेज पे खड़े होने से नेता नहीं बनता है। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और जनता से भी कि जो यहाँ 24 घंटे रहता है उसने कितना विकास कराया, इसका जवाब मुझे जरूर दे। एक चलन सा हो गया, उस पार्टी ने छोड़ के उस मजा है, उस मत आए के उस मजा है। तो जो पब्लिक है वह कुकर मतलब विश्वास करा है नीलम अग्रवाल पर कि कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। 2009 में हमने शुरू किया था हम लोगों ने, और वहाँ पे बहुत लोगों ने जन समर्थन दिया था। आप मेरे साथ गए थे, आप बहुत छोटे थे, लेकिन मैम आप वैसी वैसी हो। अरे बहुत अच्छी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई बड़ी मेहनत जो है नीलम अग्रवाल ने करी है, हमें छोटे छोटे थे देखा कर दे जी, आप जब जाया कर दे गाड़ी का काफिला में तो थोड़े आयु जी आड़ने थोड़े थोड़े हो लोग, बैठ जाओ। तो काफी समय बाद जो है मौका मिला है। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, ठीक हो जी? बिल्कुल अच्छी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मेरे पास आए और आपने मेरे विचार जानने की चेष्टा की। मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको। तो सुदेश जी का कैसा हाल है जी? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सनातन धर्म के ऊपर, वो पूरी सिटी बसा रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो मैडम जी मैं देख रहा था भीड़ इतनी ज्यादा थी, खड़ा होने जगह कौन थी, तो इस भीड़ ने देख के क्या कहना चाहोगे कांग्रेस पार्टी यार की बार? इस भीड़ का ये मतलब है कि जनता आज मन बना चुकी है सरकार को बदलने के लिए। जनता पिछले 10 सालों से बहुत त्रस्त है और देख चुकी है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें, जो महिलाएं आज ये कहें कि पानी नहीं है, बच्चे कहें कि रोज़गार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो ये एक बड़ी दुख की बात है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है माँ बाप को जब वो अपना पेट काट काट के बच्चे को पढ़ाए, पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास, अपराध की तरफ जाते हैं। तो आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो ये इतना बड़ा सम्मेलन हुआ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी आज यहाँ पे आए और जनता ने जिस तरह से मोह दिखाया, चाहे यहाँ से दान सिंह जी थोड़े से वोटों से रह गए, मैं ये समझती हूँ कि वो हम हारे नहीं हैं, हमारे विचार आज भी उतने बुलंद हैं, ये आज जनता ने बता दिया है। तो अच्छा ये बताओगे जी आ रहे हैं तो किसकी वजह से आ रहे हैं? ये है कि आपरी जो आपसी कला थी, जो किसी को डुबोना था और किसी को आगे बढ़ाना था, हम सब ने चुनाव लड़ा है एक कैंडिडेट के लिए कि हमने कांग्रेस सरकार का कैंडिडेट जिताना है, ये सोच के नहीं लड़ा कि मेरी इससे दुश्मनी है, मैं इसको हराऊं, ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और कुछ मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, इसमें मुझे जो दिखा कि बहुत से लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं नेता हूँ मैं देता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उसके साथ ईमानदारी के साथ अगर हम खड़े होंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो किसी भी किस्म से हार सकता है। जैसे कि मैडम जी, क्योंकि मैं देख रहा था मतलब जो भीड़ थी उन्हें कहा अंदर खड़े थे जी आप। देखिए नेता का क्या मतलब होता है? जनता के बीच में रहना। स्टेज पे खड़े होने से नेता नहीं बनता है, समझे आप। मैं जनता के साथ हूँ, जनता का मन होगा तो जरूर हमारा साथ देगी, पर जनता को इस लायक तो बनाए कि वो बिना डर के आपके पास आ सके। हम मंच के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, मंच बड़े बड़े नेताओं के लिए बनाया गया है, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने अपना ये दिखाना है कि हमें ऊपर स्टेज से नहीं, हमें जनता ऊपर पहुँचाएगी, तब हम ऊपर बैठने के लायक होंगे। ऊपर खड़े रहने से कभी नहीं कुछ होता, नीचे जनता का रह के मन जीते, यही मेरी एक लोगों को शिक्षा है। बिल्कुल, तो मैडम ने भी मन बना लिया? मन बनाया है बिल्कुल, मैं जनता के लिए आई हूँ और जरूर यहाँ से पूरी कोशिश है कि मैं जनता के लिए जो कर सकी। मैं यहाँ कमाने नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से सेट हो गए हैं, आज मैं आई हूँ दूसरों बच्चों के लिए। मैडम कह रहे थे कि नीलम अग्रवाल तो बाहर रहा है, यार का जनता का बीच बहुत कम रहा। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ का भी हर व्यक्ति जो आता है वो कहीं ना कहीं कमाने के लिए जाता है। आज मैं अगर धन संपन्न हूँ तो कहाँ से हुई, मैंने मेहनत की,
पैसा कमाया है, मैं अपना कमाया हुआ धन लेके यहाँ पे आती हूँ और लगाती हूँ यहाँ पे। हाँ। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, मैं तो अपना कमाया हुआ लगा रही हूँ। किसके लिए? किस आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं जो यहाँ पे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और जनता से भी, कि जो यहाँ 24 घंटे रहता है उसने कितना विकास कराया, इसका जवाब मुझे जरूर दे। जब विकास करने का विजन होगा, वो किसी भी कोने में बैठा होगा, वो विकास करके दिखाएगा। और हमारे मन में केवल विकास करना है, हमारे मन में यहाँ से एक पैसा भी कमाना नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ हो भी, कि अगर किसी MLA की तनख्वाह, उसका भी पैसा मैं यही लगाना चाहती हूँ इसी जनता के बीच में। और एक बात और बताऊँ, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग इंडस्ट्री रन करते हैं, समझ गए आप? तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे उद्योग लगे कि बच्चों को बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो लेकिन लगवाएगी यहाँ पे? मैं पक्का लगवाएंगे, हम तो इस चीज़ के लिए आए हैं, अपना उद्योग छोड़ के आए हैं हम लोग वहाँ पे, हमने अपने बच्चों को दे दिया है। हुड्डा साहब की सरकार सबसे पहले बने, मैं ये कहूँगी। अगर हुड्डा साहब की सरकार बन गई, मैं अगर भी हटाती हूँ, इस बार गारंटी करती हूँ हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और उनके छत्र छाया में, उनकी रजामंदी के साथ यहाँ पे उद्योग भी लगेंगे। चाहे सबसे पहले छोटे छोटे उद्योग लगाएं, ताकि हर घर में रोजगार पहुँचे। ये एक नेता का विज़न होना चाहिए कि हम करने के आए हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम यहाँ करने के आए हैं, क्यों आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सत्ता आपकी भी नहीं पार्टी थी जी, कौन सी पार्टी थी वो? मैं समस्त भारतीय पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, सुदेश अग्रवाल जी उसके अध्यक्ष रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने हिमाचल में, बिहार में, कई जगह पे चुनाव भी लड़े हैं और वहाँ पे लोगों को समर्थन करके जितवाया भी है। बहुत से आज MLA MP और मंत्री बने हैं, हिमाचल में भी हमने चुनाव लड़े हैं। और हुड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और ये सोचा गया कि उनकी वोट नहीं काटनी चाहिए, वो बहुत समझदार और अच्छे नेता हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम अपना पूरा योगदान संसाधन के साथ इस पार्टी में आए हैं। और हुड्डा साहब को आज हमारा मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले सर्वोपरि, कि वो यहाँ के CM बने और हम उनके साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा के इस हरियाणा को आगे लेके जाएं। जी तो मैडम, आज ये मतलब एक चलन सा हो गया, उस पार्टी ने छोड़ के उस मजा है, उस मत आए के उस मजा है। तो जो पब्लिक है वह कुकर मतलब विश्वास करा नीलम अग्रवाल पर कि कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे? देखिए, मैंने अभी तक कोई ऐसी तीसरी पार्टी में कभी नहीं गई हूँ, मैं समस्त भारतीय पार्टी चलाती रही या कांग्रेस में आई हूँ, और उसके बाद भी मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं। ठीक है, मैं कांग्रेस में ही रही हूँ, लेकिन अगर हमें अपना स्वार्थ होता कि मैंने कोई मंत्री सत्ता पानी है, तो हम इतने सक्षम है कि राज्यसभा में चले जाएं, इसमें चले जाएं। लेकिन जब जनता मन बनाती है, राज्यसभा में हाथ उठाने वाले नहीं बनना चाहते। मैं जनता के बीच में, जनता के मनोबल के साथ, उनकी मन की इच्छा के साथ मैं एक सीट पे बैठना चाहती हूँ और ईमानदारी से काम करके दिखाना चाहते हैं। आपके चैनल के जरिए कहना चाहती हूँ कि अगर मौका दिया तो जनता देखेगी कि MLA होता क्या है और वो काम क्या करता है। जी मैम, आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं जनता के बीच जा रही हूं। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। अगर अच्छे शिक्षित होंगे तो वो देश के किसी कोने में भी जा सकते हैं। दूसरा, उद्योग होने चाहिए, रोजगार आज यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, महिलाओं के लिए पानी की समस्या है, गाँव में, सड़कों में, हर जगह बुरा हाल है, इस हर दशा में आज ज़रूरत है। मैं मुद्दों की बात करने लगूं तो मेरे ख्याल में मैं गिनवाती थक जाऊंगी, लेकिन ये काम एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, हमने पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं कि हमें ये बताया गया कि आज चुनाव जीता तो 5 साल बहुत थोड़ी अवधि होगी आपको, आपको 5 साल में एक एक चीज़ जनता को देनी है ताकि जनता का विश्वास पैदा हो सके, और हम पूरी प्लानिंग के साथ इसमें काम करेंगे, जनता को कभी निराश नहीं करेंगे। जी मैम, एक बार ये आपने जो पार्टी बनाई थी उसका अपना जो है एक मतलब महेंद्रगढ़ और नारनौल में जो आप गए थे जी, उन गाँव में हम गए थे। हाँ, तो वो कब की बात है? ये है 2009 में हमने शुरू किया था हम लोगों ने, और वहाँ पे बहुत लोगों ने जन समर्थन दिया था। आप मेरे साथ गए थे, आप बहुत छोटे थे। हाँ। लेकिन आप बहुत, लेकिन मैम आप वैसी हो। अरे बहुत अच्छी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम भी बड़े हुए हैं उम्र के साथ, तजुर्बा बड़ा है और बहुत कुछ, एक डेडिकेशन पैदा हुई है लोगों को देने की,
तो आप जनता इस चीज़ को महसूस करेगी कि एक बहुत अच्छे लोग आए हैं। मैं अपने आप को नेता नहीं कहती हूँ, मैं जनता के बीच में समझती हूँ कि मैं जनता के बीच हूँ। लोगों का डर हटना चाहिए, लोग सच्चे मन से आपके पास पहुँचे, अपनी समस्याएं बताएं, और हम लोग तो बैठेंगे सब इसलिए कि उनकी समस्या को दूर कर सके। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वही नीलम अग्रवाल जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, और आपने क्या कुछ कहना भाई इस पूरी वीडियो लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद।